नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़ी ही आसानी से एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर में बात कर सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि एचडीएफसी बैंक का कस्टमर केयर का नंबर तो आपको इजिली मिल जाता है कहीं पे भी, ठीक है। गूगल में आप सर्च करोगे या आप हो सकता है आपके पासबुक पे भी लिखा हो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर, पर जब भी आप उस पर फोन लगाते हो तो कंप्यूटर बोलता है, मतलब आईवीआर सिस्टम होता है, ठीक है, जो बोलता है उसमें एक दबाए, दो दबाए, तीन दबाए, पता नहीं क्या 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 बोलता रहता है। उसमें आप दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, पर आपका जो है कस्टमर केयर से बात ही नहीं हो पाता है। मतलब कि जो एक रियल पर्सन रहता है, जो उधर के एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं एचडीएफसी बैंक के, उनसे आपको कुछ बात करना रहता है, कुछ पूछना रहता है, पर आप जो है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। खाली कंप्यूटर बोलता है बोलता है बोलता है, उसके बाद जो है आपका फोन कट जाता है। और आप अगर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो, आप एचडीएफसी कस्टमर केयर में डायरेक्टली किसी पर्सन से बात करना चाहते हो पर आप अगर बात नहीं कर पा रहे हो कॉल पे, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके बड़ी ही आसानी से एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर में बात कर सकते हो, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव, जो रियल पर्सन बैठे रहते हैं एग्जीक्यूटिव लोग, उन लोगों से आप डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। और ये नहीं कि मैं कोई इधर उधर का नंबर बताऊंगा, कोई दूसरा नंबर नहीं, वही जो एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल नंबर है उसी कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करोगे एंड आपका जो कॉल है वहां के एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट होगा एंड आप उनसे डायरेक्टली बात कर पाओगे। एंड आपको अपने अकाउंट के बारे में कुछ पूछना है, या अगर मान लो आप नए कस्टमर भी हो, आपने अभी तक एचडीएफसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं खोला या आप कुछ भी एचडीएफसी बैंक का यूज नहीं करते हो, तब भी आप जो कि यहाँ पे बात कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आपको कोई कस्टमर होना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक का तभी आप बात करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप न्यू भी हो, आज तक आपने एचडीएफसी बैंक का कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, कुछ भी यूज नहीं किया, तब भी आप एचडीएफसी बैंक में बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे करके एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर में बड़े ही आसानी से बात किया जाता है। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर मैं एचडीएफसी बैंक का जो नंबर है वो डायल कर देता हूँ अपने सिम से। तो इधर नंबर है एचडीएफसी बैंक का, ये देख लो, 1800-2600, ठीक है। अगर आप गूगल में एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नंबर है एचडीएफसी बैंक का। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का नंबर भी नहीं है तो इस नंबर को आप ले लो और यही नंबर पे आपको कॉल करना है एंड उसके बाद जो जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इधर देखो, इतना तो बोल दिया है, अभी लाउड स्पीकर पे फोन नहीं था, आपको कुछ सुनाई भी नहीं दिया होगा। अभी मैं काट के फिर से इस नंबर पर फोन लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड पूरा प्रोसेस देखना जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तभी आप जो कि है कस्टमर केयर से डायरेक्टली बात कर पाओगे। तो इधर मैं कॉल लगा दिया, अब लाउड स्पीकर कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ, इधर मतलब जो भी बोलेगा आईवीआर में। सेवाओं में आपका स्वागत है, तो इंग्लिश डायल 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हिंदी के लिए 2 दबाने बोला था, हम लोग सिंपली 2 दबा देंगे सबसे पहले, ठीक है। कार्ड ब्लॉकिंग, अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने और नेटवर्किंग बैंक खाता या यूपीआई ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं। अगर आप ब्रिज के मौजूदा ग्राहक हैं 2 दबाएं। उत्पादों की जानकारी के लिए 3 दबाएं। तो इधर 3 दबा देना आपको, ठीक है। 4 दबाएं। उत्पादों की जानकारी के लिए 3 दबाएं बोला तो आपको 3 दबाना है। आवेदन करने के लिए 1 दबाएं। पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या किसी अन्य लोन के इसमें लिए 1 दबाना है आपको, ठीक है, 1। 2 दबाएं। क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन 1 पे दबाना है। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे फोन बैंकर को ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया अपनी कोई भी गोपनीय। तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फोन है वो कनेक्ट होने वाला है फोन बैंकिंग अधिकारी को, तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखना अभी कोई पर्सन लाइन पे भी आएगा, एचडीएफसी बैंक का एग्जीक्यूटिव अभी लाइन पे आएगा, देखना। बैंकिंग सेवाओं में आपका स्वागत है, मेरा नाम कुणाल, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ सर? क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने अभी मैंने कॉल लगा के दिखाया, एग्जीक्यूटिव ने कॉल भी उठाया और वो पूछ भी रहा था मेरे से मेरा नाम। अभी मैंने तो कॉल काट दिया क्योंकि मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा था एडुकेशनल पर्पस के लिए। देखो, फिर दोबारा से कॉल भी आ गया, अगर बाई चांस गलती से कॉल कट जाता है तो ये लोग दोबारा से कॉल करते हैं, तो अभी मैं फिर से काट देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को बात नहीं करना है। तो आपका ऐसा होता है कि आप ऐसे करके कॉल लगाओगे और बाई चांस अगर बात करते करते कॉल कट भी हो जाता है तो फिर रिटर्न कॉल भी आता है। तो ऐसे करके आप बड़ी ही आसानी से एचडीएफसी बैंक में कस्टमर केयर नंबर पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।